नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। बिहार में कोरोना जांच में घोटाले पर केंद्र सरकार सख्त, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। नीतीश बोले, कोविड जांच तो बहुत बढ़िया हुआ है। रेलवे का बड़ा ऐलान, बिना कोरोना वैक्सीन लिए यात्री नहीं कर पाएंगे ट्रेन से सफर, टीका लेना सबके लिए जरूरी। बिहार में अब हर माह देना होगा नल जल योजना के पानी का बिल, नहीं भरने पर कटेगा कनेक्शन। 50 करोड़ से अधिक की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे मुख्य सचिव, मांगे लिस्ट। कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन, सिविल सर्जन समेत कई अफसर सस्पेंड। मंगल पांडे ने कई कर्मियों को किया बर्खास्त। आरसीपी सिंह ने केंद्र के सामने रखी मांग, बोले 75 साल नहीं बल्कि 60 साल से ऊपर वालों को टैक्स भरने से मिले छूट। पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात, विकास की गारंटी। आरके सिन्हा बोले, विकसित बिहार बनेगा। इंस्पेक्टर और 8 दरोगा समेत 21 पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति, सिपाही को देंगे ट्रेनिंग। हाईकोर्ट ने मेयर सीता साहू से मांगा नोटिस का जवाब, अविश्वास प्रस्ताव मामले में हुई सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर रांची हाईकोर्ट से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब लालू यादव की जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी। जी हां, आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी अगली तारीख 19 फरवरी को दी गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज कोर्ट को सौंपा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में कागजात जमा कर याचिका में लिखा 44 महीने की सजा काटने को आधार बनाते हुए जमानत देने की अपील की गई थी, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से जवाब देने के वक्त मांगा है, जिसके कारण अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की गई थी। हालांकि सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा है कि जिस मामले में लालू प्रसाद आधा सजा काटने का दावा कर रहे हैं, जमानत मांग रहे हैं, उसमें अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी उठाया है और कहा है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं। सीबीआई ने कहा है कि एक तरह के मामले में कई सजा मिलती है तो सभी सजाएं एक साथ चलाने को स्पष्ट होता है, लेकिन लालू प्रसाद मामले में नहीं है। बिहार में कोरोना टेस्ट में घोटाला उजागर होने के बाद केंद्र सरकार भी हैरान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। उधर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना जांच बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई होगी तो कार्रवाई होगी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार ने विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिसमें बिहार में कोरोना जांच में बड़े पैमाने पर घोटाले को उजागर किया गया है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी नाम और मोबाइल नंबर का जिक्र कर कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े गढ़ लिए गए हैं। एक ही मोबाइल नंबर को 26 लोगों के नाम के साथ दर्ज कर सभी की जांच कराने का जानकारी दी गई है। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जिसका मोबाइल है उसने कभी जांच करवाई ही नहीं है। जिनके नाम दर्ज हैं वे सब फर्जी नाम हैं। ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं। हद तो यह है कि कोरोना जांच कराने वाले फर्जी नाम गढ़ने में 000000 मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है। शुक्रवार को आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, राज्य सरकार ने झूठे आंकड़े देकर पूरे देश को गुमराह किया है। मामला उजागर होने के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रेन से सफर करने वाले बिहार के यात्रियों के लिए यह बहुत जरूरी सूचना है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है, बिहार के यात्रियों को कोरोना की वैक्सीन लेनी जरूरी है, वरना वे ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यात्रियों को अपने साथ यात्रा से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। दरअसल हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और बड़ी संख्या में बिहार के श्रद्धालुओं ने विभिन्न ट्रेनों से हरिद्वार के इस कुंभ मेले में शामिल होने के लिए रिजर्वेशन कराया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रेलवे की ओर से इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया है। भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले ही कुंभ मेले में जा सकेंगे। अब नल जल योजना के तहत मिलने वाले पानी का बिल हर महीने देना होगा। इसके लिए 30 रुपया प्रति परिवार हर माह देने चार्ज लेने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर पंचायती राज विभाग और PHED ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा और पास होते ही चार्ज की वसूली की जाएगी। बता दें कि आम लोगों से ली जाने वाली राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा किया जाएगा। इसकी पूरी निगरानी विभागीय स्तर पर होगी। अगर नल जल योजना के उपभोक्ता मासिक शुल्क नहीं देंगे तो उस स्थिति में उन्हें नोटिस दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी लाभुक मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं देता है तो कार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पानी कनेक्शन को काटने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाएगा। नोटिस का समय पूरा होने पर भी शुल्क जमा नहीं किया जाएगा तब हाउस कनेक्शन को काटा जाएगा। बिहार में अब 50 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव करेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों से लिस्ट मांगी है। दीपक कुमार ने सभी विभागों से 50 करोड़ से ऊपर की चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की सूची के अपडेट रिपोर्ट के साथ मांगी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर भी जल्द देने के लिए कहा है ताकि तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा सके। इस बारे में मुख्य सचिव ने कहा है कि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के दौरान यह बात सामने आई है कि संबंधित विभागों तथा संस्थाओं के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयां शीघ्र दूर हो सकेंगी। बिहार के जमुई जिले में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार एक्शन में आई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जमुई के सिविल सर्जन समेत वहां के कई स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। कई अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कुछ कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जमुई के सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु लाल को सस्पेंड कर दिया है। इनके अलावा प्रतिरक्षण पदाधिकारी पर भी गाज गिरी है। बरहट और सिकंदरा के प्रभारी को भी निलंबित किया गया है जबकि चार अन्य कर्मियों को भी बर्खास्त करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों में नाम उम्र और फोन नंबर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। पटना जमुई और शेखपुरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 600 डाटा एंट्री और जांच रिपोर्ट दोनों में गड़बड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य RCP सिंह ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है। गुरुवार को राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान बजट को शानदार बताते हुए RCP सिंह ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा, यह एक सराहनीय कदम है। आम बजट में सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही रिटर्न दाखिल करने से छूट दिए जाने पर RCP सिंह ने केंद्र के सामने अपनी बात रखी और कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा, 75 साल से ऊपर के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से मुक्त कर दिया गया है जो सराहनीय कदम है। मैं अनुरोध करूंगा कि 75 की जगह 60 साल से ऊपर के लोगों को रिटर्न भरने से मुक्त किया जाएगा तो सीनियर सिटीजन को इससे बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात और बातचीत बिहार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। ये बातें BJP नेता RK सिन्हा ने कही है। RK सिन्हा ने कहा है कि देश के विकास पुरुष और बिहार के विकास पुरुष ने एक साथ बैठकर बात करना यह बताता है कि बिहार में विकास की गंगा बहेगी और हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा। उन्होंने कहा कि PM और CM की हुई मुलाकात में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, रोजगार पैदा करना और बिहार को एक पूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने को लेकर बात हुई है। RK सिन्हा ने कहा कि एक और एक से मिलकर दो नहीं 11 की शक्ति उत्पन्न होती है और मुझे ऐसा लगता है कि यह शक्ति उत्पन्न हो गई है। अब बिहार बहुत तेजी से विकास की पटरी पर आगे दौड़ेगा और बाकी सारे विकासशील और विकसित राज्य जो देश भर में हैं उन सबके बीच अगली पंक्ति में जाकर खड़ा होगा जैसे 1950 के दशक में हुआ करता था। यही मेरी शुभकामना है।
पुलिस मुख्यालय आईजी ने 2 इंस्पेक्टर और 8 दरोगा समेत 21 पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की है। इन सभी पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय और बक्सर जिले के डुमराव स्थित बीएमपी ट्रेनिंग सेंटर में की गई है। ये सभी अधिकारी नए सिपाहियों को ट्रेनिंग देंगे। पुलिस मुख्यालय के महानिरीक्षक की ओर से जारी पत्र के मुताबिक इन पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय और डुमराव स्थित बीएमपी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अंत और बाह्य विषयों की प्रशिक्षकों के लिए प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट में मेयर सीता साहू के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 18 फरवरी तक का समय दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट में जस्टिस शिवजी पांडे की खंडपीठ ने अविश्वास प्रस्ताव में पराजित उम्मीदवार मीरा देवी की याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम और मेयर सीता साहू को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसके बाद पटना नगर निगम की ओर से तो जवाब दायर कर दिया गया, लेकिन मेयर सीता साहू ने अब तक जवाब नहीं दिया है। उस पर हाईकोर्ट ने मेयर को 18 फरवरी तक जवाब देने का समय दिया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।